Hello, myself Sunny Sharma, and today start the video number 4 for the C programming language of the class 8. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं, कैसे हम इंक्लूज का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज़ करते हैं, कैसे हम कोइनों का यूज़ करते हैं, वर्ड मन कैसे लगाते हैं, और प्रिंटफ का ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, स्कैनफ कैसे लगाते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और किस टाइप से प्रोग्राम हम लिख सकते हैं. ओके, द क्लास 8 आज हम डिस्कस करेंगे द पार्ट नंबर 4 द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको करेंगे. तो आज का एग्जाम क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्रामिंग इन अ सी टर्बो. सी मतलब कि टर्बो जो है वो क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है. क्या है? टेक्स्ट एडिटर. अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, मैंने आपको वीडियो नंबर 1, 2, 3 तीनों में मैंने बताया हुआ है कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है. फिर से मैं इस पर एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ कि टेक्स्ट एडिटर जो होता है जिसपे हम सोर्स कोड को टाइप करते हैं. किसे टाइप करते हैं? तो सोर्स कोड को टाइप करते हैं. अब सोर्स कोड क्या होता है, तो जैसे कि कोड लिखना, कोई भी कोड को टाइप करना, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम के लिए हम कोड टाइप करते हैं, वो चीज़ क्या होता है, सोर्स कोड कहलाता है. अब देखते हैं कि सोर्स कोड कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज. एग्जांपल कह रहा है कि कैसे हम इसे ओपन करेंगे प्रोग्राम को, किसे, तो टर्बो सी को. तो कह रहा है एग्जाम्पल कैसे, तो स्टेप लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक स्टार्ट बटन मिलता होगा. ये कहाँ पे मिलता है, तो टास्क बार के ऊपर हमें स्टार्ट बटन मिलता है. अब टास्क बार क्या होता है, अब ये भी एक बात है. देखिए यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ये कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ना. अगर कंप्यूटर में भी ऐसा ही आपको दिखाई देगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी ऐसा ही दिखाई देगा. मैं आपको ये डिस्प्ले कराऊंगा और मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि टास्क बार क्या होता है और किस पे क्या क्या होते हैं. तो कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड टास्क बार, हम इसे कह सकते हैं टास्क बार. ओके, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे क्या है, तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन. कहां पे, तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन यानी बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ये सबसे नीचे की जो सतह पे जो दिखाई देता है, स्क्रीन की जो निचली लेंथ होती है वहां पे जो एक ब्लू कलर का दिखाई देता है पट्टीदार, वो चीज क्या कहलाता है, टास्क बार. अब टास्क बार का यूज किस लिए होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट इस पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि टास्क बार का हम यूज किस लिए करते हैं. तो टास्क बार जो होता है वो क्या करता है, ये प्रोग्राम को इंडिकेट करता है, और कोई भी प्रोग्राम अगर हम हिडन करते हैं तो टास्क बार पे क्या करता है, शो करता है. क्या चीज, तो उसका सिर्फ आइकन. क्या शो करता है, तो सिर्फ उसका आइकन, सिर्फ उसका आइकन वहां पे डिस्प्ले करता है, बाकी चीज वो हिडन हो जाता है. तो टास्क बार पे ही हमारा स्टार्ट बटन मिलता है, टाइम इंडिकेटर मिलता है, डेट एंड टाइम, और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हमें दिखाई देते हैं. टाइम इंडिकेटर जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, पेस, रिव्यू, कंट्रोल, एग्जिट, सेम जगह यहीं पे भी वो दिखाई देता है. ओके, उसके हम क्या कहते हैं, ट्रे कहते हैं, कंट्रोल ट्रे कहते हैं. उसके बाद से कह रहा है सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम. जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, स्टार्ट मेन्यू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसे बहुत सारे ऑप्शंस लिखे होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे. हमें क्या करना है, वहां से ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है. अब ऑल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो ऑल प्रोग्राम जो भी हम कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉलेशंस करते हैं, कंप्यूटर पे जितना चाहे हम उतना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये तो आपको ही पता है, जो अपने जरूरत के अनुसार जो हमें जो भी नीड होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं. तो जितना भी सॉफ्टवेयर होता है उसका एक छोटा सा एक आइकन बनकर, उस प्रोग्राम का एक आइकन बनकर हमारे पास आता है, जो ये ऑल प्रोग्राम में हमें डिस्प्ले करता है वन बाई वन, वो एक आइकन होता है. सारे के सारे आइकन हम स्क्रीन पे नहीं रखते, बट कुछ आइकन जो होते हैं वो सारे के सारे हिडन हमारे ऑल प्रोग्राम के अंदर होते हैं. तो हम क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे. फिर कह रहा है कि टर्बो सी एप्लीकेशन, चूज अ टर्बो सी एप्लीकेशन. वहां पे हमें क्या चूज करना है, यानी जैसे हम ऑल प्रोग्राम को
यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि जैसे आप इसका यूज करेंगे तो ये क्या करेगा आपका, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका स्क्रीन हो गया, क्या हो गया कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, दिस इज कॉल्ड द मॉनिटर। ओके, तो जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बनकर आएगा, तो ये आएगा आपका दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा ये क्या होगा, ये स्टार्ट बटन, क्या होगा स्टार्ट बटन, हम इसको लिख देते हैं क्या आएगा स्टार्ट बटन, एंड दिस इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू, क्या आएगा ये क्या है स्टार्ट मेन्यू है। जैसे ही आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा किस पे, तो यहां पे मिलेगा आपको क्या ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा एक मेन्यू आपके सामने, एक पतला सा मेन्यू आपके सामने ओपन होगा, आपको बहुत सारे जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन होंगे वो सारे के सारे वन बाय वन करके आपको वहां पे डिस्प्ले करेंगे, क्या करेंगे डिस्प्ले करेंगे। अब इसी डिस्प्ले में जो भी सॉफ्टवेयर जैसे आपको जो चाहिए, जो भी हमें नीड होती है, हम क्या करते हैं वन बाय वन करके अपना यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चूज करना है, तो टर्बो, टर्बो सी या फिर टर्बो सी प्लस प्लस, ये दो ऑप्शंस होंगे, या तो टर्बो सी होगा या फिर टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर होगा। तो हमें यहाँ पे क्या चूज करना है, या तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो तो आप इसका यूज करें, या फिर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो तो आप इसका यूज करें। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, तो टेक्स्ट एडिटर है, क्या है टेक्स्ट एडिटर है, जिसपे हम क्या करते हैं कोडिंग को टाइप करता है, यही जो है वो प्रोग्राम है जिसपे हम सी लैंग्वेज का कोडिंग हम करेंगे और कंपाइल करके रन भी करेंगे। ओके, तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, अगर सपोज मान लीजिए कोई यहाँ इस नंबर पे आपका टर्बो सी है तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास क्या ओपन होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि ओपन टर्बो सी एंड अ सी टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन इन आवर सिस्टम, यानी हमारे सिस्टम पे। तो क्या करना है हमें, या तो हमारा टर्बो सी हो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल, या फिर टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा उस सिचुएशन पर हम क्या करेंगे, जैसे इंस्टॉल होगा ये क्या करेगा ओपन होगा, कैसे ओपन होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज हम देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम हम बना के देखेंगे आज, फॉर एग्जाम्पल आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। अब देखते हैं हमारे पास फोर प्रोग्राम है, मैंने फोर प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि फोर प्रोग्राम हम कैसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम इन अ टर्बो सी टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, क्या डिस्प्ले कराना है हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम इन अ टर्बो सी टू डिस्प्ले योर नेम, यानी कि योर नेम यानी कि खुद का नाम यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, अब उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री कि राइट अ प्रोग्राम इन अ टर्बो सी टू डिस्प्ले योर स्कूल नेम, अब अगर हम स्कूल के लिए यूज कर रहे हैं तो हम क्या देंगे एक बार स्कूल का भी नाम हम डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम इन अ टर्बो सी टू यूज द स्कैनर एंड एम्परसेंडेस, अब यहाँ पे हमारा यूज क्या करना है कि स्कैनर का भी यूज करना है और एम्परसेंडेस का भी यूज करना है, किसमें तो क्वेश्चन नंबर फोर में। तो ये चीज हम करके देखेंगे आज। तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे हम, तो हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड के लिए हम क्या कर रहे हैं एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, और इसी क्वेश्चंस को हम कोडिंग पे भी यानी कि टर्बो पे भी हम डिस्प्ले करके देखेंगे। तो आप, मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग भी वैसे कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे प्रोग्राम हमारा ओपन हो तो हम क्या लेंगे हैशटैग साइन, उसके बाद से इनक्लूज्ड, इनक्लूज्ड का ऑप्शन हम यूज करेंगे, उसके बाद से एंगल ब्रैकेट स्टैंडर्ड stdio.h और एंगल ब्रैकेट से हम इसे क्लोज कर देंगे, दिस इज कॉल्ड द हेडर फाइल, ये क्या है तो हेडर फाइल है। एक वन टाइम और हम इसको ले रहे हैं हैशटैग इनक्लूज
enclosed or coino dot h, sorry coino dot h, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे, तो ये दोनों के दोनों क्या है, header file है, क्या है, header file है। तो ये किस लिए header file है, कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि header file को indicate कौन करता है, तो ये आपका dot h जो है वो header file का extension होता है, क्या होता है, एक्सटेंशन होता है जो हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये हेडर फाइल है। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि एक मेन वेन्यू लेंगे, मेन फंक्शन लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मेन फंक्शन ले रहा हूं, क्या चीज, void main, void main और फंक्शंस का मैंने यहाँ पे एक साइन लगा दिया हुआ। मैंने आपको मेन फंक्शंस के बारे, void main के बारे में मैंने बताया हुआ और फंक्शंस के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था void main के बारे में और फंक्शंस के बारे में। दिस इज कॉल अ फंक्शन, ये क्या है, दिस इज कॉल अ फंक्शन, ये साइन किसका है, तो फंक्शन का है, किसका है, तो फंक्शन का साइन है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद से आता है मिडिल ब्रैकेट, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ब्रैकेट, स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज। तो हम यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का हम यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टेक को ओपन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर, मिडिल ब्रैकेट को ओपन मैंने कर दिया हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें, मुझे प्रिंट करना है। प्रोग्राम क्या है आपको मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए प्रोग्राम में पूछा हुआ है कि डिस्प्ले करना है, क्या करना है, तो ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्प्ले करना है, क्या चीज को, तो हेलो वर्ल्ड को, किसे डिस्प्ले करना है, तो हेलो वर्ल्ड को। तो हेलो वर्ल्ड को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूंगा कि डिस्प्ले के लिए यहाँ पे हमें प्रिंटफ का यूज करना होगा। तो कोड यानी कि क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे क्या चीज कि प्रिंटफ का हम फंक्शंस लगाएंगे। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि ये सारे के सारे जो भी लेटर आप टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि सी जो होता है वो कैश सेंसिटिव होता है। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि सी जो होता है वो कैश सेंसिटिव होता है, वो हमेशा जो कीवर्ड होता है वो लोअर केस में लेता हुआ है। तो ये जो मैंने पी लिखा हुआ है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैपिटल, बट ये आपको स्मॉल लेटर में ही टाइप करना होगा। ओके, उसके बाद हम क्या देंगे, मिडिल ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और डबल इनवर्टेड कमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो डबल इनवर्टेड कमा हम यूज करेंगे। ओके, डबल मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कमा लगाया हुआ है, आप भी सेम ऐसे ही लगाएंगे, सिंगल वाला आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपके कीबोर्ड में एक सिंगल का मिलता है और एक डबल का मिलता है, तो सिंगल वाला आप अगर टाइप करते हैं तो प्रोग्राम जो है वो एरर शो करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डबल का हम यूज करेंगे। ओके, तो डबल का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अब इसके अंदर आप कैपिटल में लिखिए स्मॉल में लिखिए इससे कोई मतलब नहीं रहता, बस आपको ये कैश सेंसिटिव होता है, बट ये जो मैसेजिंग के लिए होता है तो आप मैसेज जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड और डबल इनवर्टेड कॉमा देके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ब्रैकेट को क्लोज करके और सेमी कलन मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। जैसे मैं लगाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा कि गेट सी एच और फंक्शंस, मैंने इसका गेट सी एच का लगा दिया और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सेमीकलन, क्या लगाएंगे, सेमीकलन। और सेमीकलन लगाने के बाद फिर क्या करेंगे हम कि मिडिल ब्रैकेट को और क्लोज कर देंगे। तो जितना बार आपको हमेशा एक बात याद रखना होगा कि जितना टाइम आप ये मिडिल ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे उतने टाइम आपको इसको क्लोज भी करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ। ओके, अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, द क्लास 8, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि राइट अ प्रोग्राम इन अ सी टर्बो सी टू डिस्प्ले योर नेम, क्या डिस्प्ले करना है, हमारा नाम डिस्प्ले करना है। फॉर द एग्जांपल, आप इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और पेज को मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ ताकि आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन सबको पता चले। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, सेम प्रोसेस वही सही चलेंगे, हैशटैग इनक्लोज एस टी डी आई ओ डॉट एच
standard input output h dot h means a header file, standard input output. And the second number, the slash enclosed conio dot h. उसके बाद से हम कोनियो का यूज करेंगे. कोनियो आपको पता है कि डॉस फाइल्स को ये एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हम कोनियो का भी हम साथ में यूज करेंगे. उसके बाद से क्या देंगे हम, मेन फाइल. मेन फाइल जैसे कि हो गया void main, और उसका फंक्शंस को हम लगा देंगे. void main मैंने लगा दिया और साथ में उसके फंक्शन को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया होगा. उसके बाद से मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे हम. उसके बाद से फिर क्या लिखेंगे हम, printf. printf और डबल इनवर्टेड कॉमा, इंटर योर नेम, यानी मैं अपना नाम लिखता हूं, आप अपना नाम लिख सकते हैं. ओके, जैसे मैंने अपना यहां पे नाम लिखा हुआ है, सॉरी, यहां पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिखेंगे और डबल इनवर्टेड कॉमा लगा के फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे. ओके, उसके बाद से फिर क्या आता है कि गेट सी एच फंक्शंस लगाएंगे और सेमीकोलन लगाने के बाद से ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे. तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया. ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है. तो आपने, मैंने फर्स्ट प्रोग्राम भी आपको मैंने दिखाया, सेकंड प्रोग्राम भी मैंने दिखाया, अब सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं. जो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसके लिए हम देखते हैं. तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन अ टर्बो सी टू डिस्प्ले योर स्कूल नेम. क्या डिस्प्ले कराना है हमें, स्कूल का नाम डिस्प्ले करना है. अगर आप स्कूल का नाम डिस्प्ले करें, आप अपना फैमिली मेंबर का भी नाम डिस्प्ले कर सकते हैं. तो सेम प्रोसेस हम वैसे ही चलेंगे. ओके, तो फिर मैं यहाँ पे एक पेज को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हम करके देखते हैं. तो सेम प्रोसेस हम वैसे ही चलेंगे. द हैशटैग इनक्लोज्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, एच फॉर हेडर फाइल. उसके बाद फिर क्या मैं ले रहा हूँ, सेकंड नंबर, फिर एक और मैं ले रहा हूँ हेडर फाइल इनक्लोज्ड कोनियो डॉट एच. ये दो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल मैंने लिया हुआ. फिर मैं क्या ले रहा हूँ, void main, void main function. उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, हमेशा आप याद रखिएगा कि void main में functions में सेमीकोलन नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगाएंगे आप. अगर लगा रहे तो वो गलत हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, एरर करेगा. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिडिल ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और मैंने यहाँ पे printf लगाया हुआ है, printf. और उसके बाद से जो मैसेज मैंने मुझे देना है वो मैं रेड कलर में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इंडिकेट हो और आप दिखाई दे सके, आप सही से समझ सके. जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्कूल का नाम रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल. ओके, यहाँ पे जैसे मैं दे रहा हूँ रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल. अब यहाँ पे देने के बाद से मैं क्या कर रहा हूँ कि डबल इनवर्टेड कॉमा से मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, और ब्रेक करने के बाद से फिर मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि कलरिंग के अकॉर्डिंग मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ, और सेमीकोलन यहाँ पे मैं इसे यूज कर रहा हूँ. जैसे ये सेमीकोलन मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है कि गेट सी एच का हम फंक्शन लगाएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे गेट सी एच का फंक्शन मैंने लगा दिया और यहाँ पे सेमीकोलन मैंने लगा दिया. उसके बाद से ये मैंने ओपन किया हुआ है, क्या चीज ओपन किया हुआ है, तो मिडिल ब्रैकेट मेरा यहाँ पे ओपन है, तो अब मुझे यहाँ पे क्लोज भी से करना पड़ेगा. तो आप हमेशा आप याद रखिएगा कि मिडिल ब्रैकेट जब ओपन कीजिएगा तो उसे क्लोज प्रोग्राम के बाद करना जरूरी होता है. अगर नहीं कीजिएगा तो मैन फंक्शन को काम नहीं करेगा, मैन को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं. तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ. अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन. फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम में टर्बो सी टू यूज द स्कैनफ एंड एम परसेंटेज. स्कैनफ और एम परसेंटेज का हमें यहाँ पे यूज करना है. क्या करना है, स्कैनफ और एम परसेंटेज का हम
इस प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो एम्परसेंड और स्कैनर को कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं। तो एक मैं प्रोग्राम फिर से एक मैं बना रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 4 कौन सा है? प्रोग्राम नंबर 4। तो आप इसको भी देखिए और समझिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, तो सेम प्रोसेस हम वैसे ही चलेंगे। इनक्लोज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड सैस हैशटैग इनक्लोज कोनियो डॉट एच। यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल ले लिया हुआ, उसके बाद से मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, void main function। और मुझे यहाँ पे अब यहाँ से मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। तीन प्रोग्राम जो थे वो अलग थे, लेकिन बट यहाँ पे जो है मुझे scanf, यानी scanf मुझे कीवर्ड से लेना है, कीबोर्ड के थ्रू मुझे कीवर्ड से एड्रेस से लेना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से मुझे एड्रेस चाहिए, तो मुझे scanf और ampersand का जरूरत पड़ेगा। तो कोई हम डिजिट ले सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मिडिल पैकेट तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा ही साथ, प्लस मुझे इंटीजर चाहिए। इंटीजर का मैं शॉर्ट नेम लिखा जाता है इसमें INT। कभी भी हम फुल नेम नहीं लिखेंगे इंटीजर का, जब भी लिखेंगे शॉर्ट नेम ही लिखेंगे, किसे? INT। जैसे मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ और बी ले रहा हूँ और एक सी ले रहा हूँ और सेमीकोलन लगा रहा हूँ। सपोज हम एक नंबर तो ले नहीं सकते, जब भी लेंगे दो नंबर से, अगर सपोज मान लीजिए आपको 2 और 2 प्लस करना है, 2 और 2 प्लस करना है, तो मुझे अगर 2:2 को मैं ए मान लेता हूँ, इसको अगर बी मान लेता हूँ, तो ये फंक्शन जो होता है ये सी होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब इसके लिए इंटीजर जब मुझे मिल चुका है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि प्रिंट एफ का ऑप्शन यूज करना है, प्रिंट एफ। और यहाँ पे मैंने मैसेज दिया हुआ इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, ओके। उसके बाद से यहाँ पे इक्वल साइन दे के और क्या करना है कि लाइन चेंज में यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, लाइन चेंज। और लगाने के बाद से डबल इनवर्ट कमा और सेमीकोलन। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया हुआ है कि एक एक करके डिजिट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके कीवर्ड से लेना है। और उसके बाद से यहाँ पे हम मैं स्कैनएफ का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, स्कैनएफ, ओके, स्कैनएफ। और उसके बाद से क्या करना है यहाँ पे डबल इनवर्ट कमा परसेंटेज का आप यहाँ पर सिंबल लगाइएगा, डी लगा दीजिएगा, और क्या करना है कमा देना है, सॉरी डबल इनवर्ट कमा देने के बाद से कमा देना है, और यहाँ पे क्या लगाना है एम परसेंटेज और सॉरी यहाँ पे क्या लगाएंगे हम एम परसेंटेज। अब वैल्यू क्या चाहिए मुझे, ए चाहिए, और यहाँ पे ए लेने के बाद से मुझे ब्रैकेट को क्या करना है क्लोज कर देना। सेम प्रोसेस सेकंड के लिए भी लेंगे हम, प्रिंट एफ, क्या लेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इंटर योर सेकंड, वन सेकेंड, इंटर योर सेकेंड वैल्यू, क्या लिखेंगे हम इंटर योर सेकेंड वैल्यू, इक्वल साइन लाइन चेंज डबल इनवर्ट कॉमा एंड सेमीकोलन। ये चीज हम यहां पे भी फिर से टाइप करेंगे और फिर क्या लेंगे हम स्कैनएफ का फंक्शन हम फिर से यूज करेंगे, क्या करेंगे स्कैनएफ, स्कैनएफ डबल इनवर्ट कॉमा परसेंटेज का सिंबल डी एंड कॉलन एम परसेंटेज एंड डी, क्या लेंगे हम ए के बाद से बी, उसके बाद से यहाँ पे लगा देंगे हम क्या चीज सेमीकोलन। तो ये तो हमारा जो प्रोग्राम बना ये आधा बना है, और इसके बाद भी हम मुझे और आधा इसको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक पेज और ले ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट प्रोग्राम में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कैनएफ मैंने लिया हुआ है, ये तो स्कैन करेगा, बट दो डिजिट को मुझे क्या करना है प्लस कर देना है। तो प्लस तो करेगा नहीं, तो प्लस कैसे करता है इसके लिए हम यहाँ पे आधे प्रोग्राम को यहाँ पे करते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे इमेज को रखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है, आप देख सके। अब इसको हम कैसे करेंगे,
तो स्कैनफ के बाद से फिर क्या करेंगे हम, एक मिडिल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब जैसे इंटीजर मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, इंटीजर ए और बी तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ए यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ, बी को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ। अब मुझे सी का यूज करना है, किसे यूज करना है, सी के लिए यूज करना है। तो सी के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम यूज करेंगे जैसे कि सी इक्वल टू ए प्लस बी और समीकरण। मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी देने के बाद से मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट को इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो टू और टू, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले मैंने आपको बताया हुआ था टू और टू के लिए कि ए और बी लेंगे और सी जो होगा वो फंक्शंस के लिए होगा, इंस्ट्रक्शन के लिए। तो इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया हुआ है सी के लिए कि वो क्या करे, वो प्लस करे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये तो प्लस कर दिया, लेकिन आउटपुट मुझे रिजल्ट चाहिए ना, आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट लेने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट के लिए हम एक और प्रिंट एफ लेंगे, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कमा। अब यहां पे लिखते हैं क्या चीज, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट, इक्वल साइन परसेंटेज का सिंबल देंगे और डी देंगे और डबल इनवर्टेड कमा देके इसको सेमीकोलन लगा देंगे। जब भी आपका मैसेज जो आएगा तो वो लिखा आएगा कि दिस इज योर रिजल्ट, ओके। और उसके बाद से इक्वल साइन के बाद से आपका जो जो वैल्यू होगा वो प्लस करके देगा, वो चीज हम करेंगे। उसके बाद से फिर क्या लगाएंगे हम, गेट सी एच फंक्शन और सेमीकोलन का हम यूज करेंगे और मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो क्लोज किया होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बट आपको फर्स्ट पेज में आपको देखना होगा कि मैंने एक से पहले भी मैंने यहाँ पे एक ओपन किया हुआ, यहाँ पे ओपन किया हुआ ना। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ, तो यहाँ पे मैंने इसे क्लोज भी किया हुआ, बट इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया हुआ, तो इसलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया कि नहीं, सी इक्वल टू ए प्लस बी ही सिर्फ ये काम करे। अब जैसे ये प्रोग्राम बनेगा तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम जो बनेगा तब ये प्रोग्राम जो होगा वो जैसे कि ए प्लस बी अगर आप करते हैं तो कोई भी ए प्लस बी के लिए कोई भी अगर वैल्यू देते हैं, अगर मान लीजिए इसको 5 हम दे रहे हैं और इसको मैं 5 दे रहा हूँ, तो सी का जो काम है, सी जो सी का जो काम है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस का अगर सिंपल साइन है तो प्लस करेगा और रिजल्ट हमारा वैल्यू कितना देगा, 10, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो कीवर्ड ले रहा है किसे, कीबोर्ड के थ्रू हम वहाँ पे नंबर को स्कैन कर रहे हैं, तो ये चीज स्कैनफ के लिए होता है। और इसका एड्रेस कौन डिस्प्ले कराता है, तो एड्रेस लोकेट फॉर द पाथ का यूज करता है कौन, एम परसेंटेज, कौन करता है, एम परसेंटेज। अब हम एक बार इसको प्रोग्राम को एक बार देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम हम देख लेते हैं, ओके। देखिए दिस इज लाइक अ विंडो, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं भी एक कंप्यूटर के सामने में खड़ा हूँ, आपको ये कंप्यूटर ही दिखाई दे रहा होगा। अब एक मैं नेम डिस्प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो जैसे देख लीजिए, ये आप मेरे पास कुछ एक प्रोग्राम है, बहुत सारे विंडोज है, अगर मैं ये विंडो 10 है तो आप विंडो 10 अगर जो भी आपके पास विंडो है आप उसके यूज से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऑल प्रोग्राम के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, तो यहां से आप सर्च कर लीजिए अपना टर्बो, ओके। आप यहां से टर्बो सर्च कर सकते हैं, नहीं तो देखिए जैसे मेरा यहां पे टर्बो है, ओके। तो मेरा यहां पे जो टर्बो है तो मैं यहां से इसका यूज कर रहा हूं, देखिए जैसे ये एक आपके सामने एक विंडो ओपन हुआ, विंडो ओपन हुआ ना, तो लुक लाइक दिस इज द स्क्रीन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कोड टाइप करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ, आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हैश टैग देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइल, यहाँ पे देखिए फाइल, ये सारे के सारे जो मेन्यू है आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ नेम डिस्प्ले के लिए, हैश टैग enclosed angle bracket and stdio.h, okay। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया हुआ है और उसके बाद से मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट को मैं लगा के फिर इंटरप्रेस में कर रहा हूँ, फिर hashtag enclosed conio.h। देखिए मैंने यहाँ पे दो header file मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, उसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे void main और उसका क्या मैंने लगाया, फंक्शंस मैंने लगा दिया, फिर यहाँ से मैं यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं यहाँ पे
प्रिंटेफ का फंक्शन मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ. पहले क्या था, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, क्या था हेलो वर्ल्ड. उसके बाद से मैं इसे सॉरी देखिए हेलो वर्ल्ड मैंने दे दिया. फिर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, गेट सी एच का मैंने यहां पे ऑप्शंस का यूज किया हुआ फंक्शंस का, और इंटर प्रेस करने के बाद से मैं यहां पे मिडिल ब्रैकेट से इसे मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था. सेम टू सेम वैसा ही है, जैसे देखिए आप यहां से देख सकते हैं. ओके तो सेम टू सेम वैसा ही प्रोग्राम है. तो आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि ये कैसे बनेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसका यूज कर सकते हैं. सॉरी देख लीजिए एक बार फिर से मैं इसको टाइप कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से. हैशटैग इनक्लोज्ड stdio.h हैशटैग koino.h void main printf okay. अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, कंपाइल करके देखता हूं. कंपाइल करने के लिए क्या करना होगा आपको, या तो साइकिल आपको कंपाइलर के अंदर जाना पड़ेगा ओके या फिर आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से Alt F9 को प्रेस कर दीजिए. देखिए मैंने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ, लिखा हुआ है कि मेन फाइल नेम इज इक्वल टू नेम 00 एंड डॉट CPP. CPP जो दिखा रहा है वो क्या है, तो C++ है और यहाँ पे लिख रहा है कि लाइन कंपाइल द 205 एंड फाइल इज 205 एंड वार्निंग कुछ नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है कि 3 है ओके तो यहाँ पे एरर भी दे रहा है. एरर कैसे दे रहा है तो वो हम देखेंगे. तो कह रहा है कि अनेबल टू ओपन इंक्लूज अ फाइल stdio. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया हुआ है ठीक है. तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे, स्टैंडर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है stdio ओके स्टैंडर्ड koino void main हेलो वर्ल्ड. अब इसको मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ फिर से एक बार आप देख लीजिए. अब कह रहा है कि एरर अभी भी 2 है. अब एरर नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रिंटेफ void main के ऊपर एक मैंने क्या किया हुआ है, एक और एरर मैंने लगाया हुआ है. तो एरर इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि एरर कैसे डिफाइन करते हैं. यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एक मिडिल ब्रैकेट मैंने यहाँ पे फिर से यूज किया हुआ. अब मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूँ. अब कह रहा है कि एरर कुछ भी नहीं है. क्या है देखिए यहाँ पे एरर पर वो कह रहा है कि एरर जो है वो क्या है, एरर जो है वो 0 है. अगर एरर हमारा यहाँ पे 0 है तो अब ये प्रोग्राम जो है वो रन करेगा. तो रन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल F9. देखिए हेलो वर्ल्ड ये प्रोग्राम जो है वो कंपाइल कर गया. अब इसी पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ. तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, जैसा कि इसमें था कि खुद का नाम डिस्प्ले कर रहा. तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ. ये नाम यहाँ से क्या कर रहा, मैंने अपना नाम यहाँ पर टाइप कर दिया ठीक है. अब ये जो है फिर से मैं इसको अगर कंपाइल करूँ तो ये कंपाइल कर लेगा. देखिए यहाँ पे कंपाइल कर लिया. अब कंपाइल करने के बाद से फिर क्या करना है, इसे रन करना है. देखिए हेलो वर्ल्ड सनी शर्मा ओके. वैसे ही आपको अपना स्कूल का भी नाम कर सकते हैं, क्या मॉडिफाई करना है सिर्फ यहाँ पे करना है. तो ओके द क्लास 8. तो मैंने यहाँ पे आपको आज ये बताया. और एक बात और आप समझ लीजिए कि फाइल को सेव कैसे करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइल को सेव कैसे करते हैं. तो फाइल के अंदर आप जाइएगा. देखिए मैं यहाँ पर अपना कर्सर ले रहा हूँ और ये कर्सर जो मैं आपने लेकर यहाँ पे फाइल के अंदर ले रहा हूँ. देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट है न्यू ओपन सेव सेव एज सेव ऑल चेंज डायरेक्टरी प्रिंट डॉट सेल एंड क्विट. क्विट यानी बाहर निकल जाना, ओपन यानी कि नया कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल लेना, न्यू कोई नया फाइल बनाने के लिए, सेव करना फाइल को सेव कर सकते हैं या फिर मैं डायरेक्टली का F2 दबाकर भी इसको सेव किया जा सकता है. सेव एस कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें कुछ मॉडिफाई करके भी इसको सेव किया जा सकता है. सेव ऑल जितना भी कोई भी प्रोजेक्ट है उसको मैं एक साथ भी इसको सेव किया जा सकता है.
चेंज डायरेक्टरी, कभी कभी डायरेक्टरी भी चेंज करना पड़ता है, जैसे कि ग्राफिकल्स के लिए क्या करना होता है कि उसे डायरेक्टरी में अलग से चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बिंग में करना पड़ता है और उसे चेंज करके BGI में हमें करना पड़ता है। और प्रिंट, अगर मान लीजिए को प्रिंट कैसे करना है, उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डॉस सेल में, डॉस कमांड में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसके लिए होता है। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि फाइल को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे कर्सर से अपने फाइल का यहाँ पे दिस आइकन इज द, देख लीजिए एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ है इस प्रोग्राम का। यहाँ पे लिख रहा है कि सेव द फाइल एज, कहाँ पे फाइल सेव होगा, तो सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 एक नाम है, उसके अंदर बिन मिलेगा, उसके अंदर हमें नाम को यहाँ पे नेम देना है। तो मैं यहाँ पे अपना खुद का नाम दे रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ अपना खुद का नाम दे रहा हूँ, और कोई भी नाम के बाद से .c जरूर आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? .c जरूर लगाएंगे, उसके बाद से इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए फाइल का नेम चेंज हो गया, यहाँ पे मेरा नाम आ गया। तो सेम चीज आपको भी ऐसा ही करना है। और सेकंड नंबर जो फोर्थ नंबर जो प्रोग्राम है, मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि उसको कैसे करते हैं, और उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडिशनल, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन। ये फोर प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको, आपने आज क्या सीखा कि आप नेम कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे फाइल ओपन करते हैं, प्रोग्राम कैसे टाइप करते हैं, ये सारे के सारे आज आपने ये से सीखा। अब देखते हैं कि अब इसे हम क्विट करना, मतलब प्रोग्राम से मुझे बाहर कैसे निकलना। तो प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे हम, तो फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम मिलेगा क्या चीज, क्विट का ऑप्शन। और जैसे ही क्विट का ऑप्शन खत्म होगा आपके सामने, आप डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे, तो अपने स्क्रीन पे चले आएंगे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे चले आएंगे। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, ओके, द क्लास 8। और ये जो मैंने फर्स्ट आपको, देखिए ये जो प्रोग्राम है ये एडिशनल के लिए है, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको जानेंगे कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं 2 नंबर को, कैसे 3 नंबर को ऐड करेंगे, कैसे 4 नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस कैसे करेंगे, डिविजन्स कैसे करें, ओके द क्लास 8। तो आज के लिए इतना काफी रहेगा, ओके, दैट्स ऑल।